तो समय को आपने सिर्फ 7 से 10 दिन करना है, इंशाल्लाह ताला आपके जो नकल्स हैं बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसमें आपने कॉटन को डिप करके अपने जॉइंट्स के ऊपर रख लेना है, या आप कॉटन का बड़ा पीस काट के उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में डिप करें और इस तरह से रख लीजिए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए रख लिया इसको, और इसको आपने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगा रहने देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव कर देना, खुश्क हो जाए तो भी, ना खुश्क हो तब भी। और अब आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऑलरेडी डिप करके रख चुकी हूँ, तो 10 मिनट बाद इसको हटाएंगे और आपको पेस्ट बनाने का तरीका। चलिए जी भाई, 10 मिनट पूरे हो गए हैं और अब आपको अपने इसको रिमूव करना है अच्छी तरह से, ताकि जो डस्ट मटी निकली है बिल्कुल साफ हो जाए। और इसको आपने कॉटन को हटा देना है, और इसके बाद हम बनाएंगे पेस्ट। चलिए जी, अब हमने पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट बनाने का आपको तरीका बताते हैं। उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको दही चाहिए, दही के बाद आपको मीठा सोडा चाहिए, मीठे सोडे के बाद आपको उसने यूसफ चाहिए। अगर आपके पास उसने यूसफ नहीं है तो आप खशखाश ले सकते हैं। और उसके बाद आपको उबटन चाहिए, अगर आपके पास उबटन नहीं है तो आप आटा या बेसन लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें बस। और उसके बाद आपको लीमों का रस चाहिए। ठीक हो गया, अब हम इसको बनाएंगे। हमें बिल्कुल थोड़ी मिकदार में चाहिए, इसलिए आपको बताएंगे कि आपको कितनी चीज जो है वो कितने मिकदार में लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं लूंगी उबटन, अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता चुकी हूँ बेसन या आटा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अगर आपके पास उसमें यूसफ नहीं है तो आप थोड़ा सा खशखाश मिला सकते हैं। और उसके बाद इसमें मिलाएंगे मीठा सोडा खाने वाला बराबर मिकदार में। इसमें इतना ही हम दही मिलाएंगे ताकि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा लीमू का रस मिला देंगे, ये ज्यादा पतला ना हो जाए। अब इसमें मैं लास्ट में मिलाऊंगी दही। पेस्ट बनाने के लिए आपने दही इसमें डालना है। तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अप्लाई करना है। इसके साथ ही जो नए दोस्त हैं, पहली वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुरख कलर का बटन नजर आ रहा है, उस बटन पर क्लिक करें। उसके साथ ही एक बेल का बटन बन जाएगा, उस बेल के बटन पर भी आपने क्लिक करना है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नई वीडियो का फौरी मैसेज मिल जाया करेगा। और इसके बाद आपने मुझे फीडबैक भी लाजमी देनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी, आप इसको पूरे हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बल्कि मैं पूरी फिंगर्स पे करूंगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपने खुश्क होने के लिए छोड़ देना, अच्छी तरह से लगाइएगा। कुछ जब हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि इसके बाद आपने क्या करना है। सिर्फ इसको आपने 7 से 10 दिन करना है रेगुलर, तो आप रिजल्ट इंशाल्लाह देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं जी, मैंने अप्लाई भी कर लिया, हम इसको छोड़ दूंगे और 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या करें। ये रे फ्रेंड्स, ये ड्राई हो गए, इसको 10 से 12 मिनट लगे अच्छी तरह से। अब हमें इसको इस तरह से रिमूव कर देना, डायरेक्ट भी वॉश कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है, और अपने हाथों पर कोई क्रीम, एलोवेरा जेल या गुलाब का रस लगा लें। अब इसको वॉश कर रही हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से, और ये एक दफा के इस्तेमाल से रिजल्ट है। आपने इसको 7 से 10 दिन लाजमी करना है। 7 से 10 दिन के इस्तेमाल में आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब हम जा रहे हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपनी जुबान को किसी कैबो से आलूदा ना करो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए,
इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच